अब उनसे ही जाकर के विनय करती हूँ, देखती हूँ उनकी मेरे लिए क्या क्या होती है, क्योंकि मेरी ये उम्र इस प्रकार तो कटेगी नहीं। और उम्र मेरी कैसे कटे बाली, उखड़े न दूध के दांत। उम्र मेरी कैसे कटे बाली, उखड़े न दूध के दांत। उम्र मेरी कैसे कटे बाली, उखड़े न दूध के दांत। बाली होता बाग लगाता, रोश रोश पे कुएं खुदाता, रोश रोश पे। माली होता बाग लगाता, रोश रोश पे कुएं खुदाता, चार घड़ी मेरा जी बहलाता। ओ चार घड़ी मेरा जी बहलाता, छोड़ गया माली उखड़े ना दूध के दांत। उम्र मेरी कैसे कटे बाली, उखड़े ना दूध के दांत। आम पके महुआ गदराए, कच्चे नीबुआ रस भर लाए, कच्चे नीबुआ। आम पके महुआ गदराए, कच्चे नीबुआ रस भर लाए, जब अनार सुर्खी पे आए, जब अनार सुर्खी पे आए, तो टूट गई डाली उखड़े ना दूध के दांत। उम्र मेरी कैसे कटे बाली, उखड़े ना दूध के दांत। एक तो मैं पीहर की हारी, दूजी विपत राम ने डारी, दूजी विपत। एक तो मैं पीहर की हारी, दूजी विपत राम ने डारी, तीजे पति लक्ष्मण ने मारे, तीजे पति लक्ष्मण ने मारे, चौथे गोद खाली उखड़े न दूध के दांत। उम्र मेरी कैसे कटे बाली, उखड़े न दूध के दांत। उम्र मेरी माता जी सुन सुन रोवती रावण रानी, सुनी जो ऋषि नारद की बात। हे माँ पुत्री, ये भुजा, हे भुजा मेरी स्वामी की है, और इस भुजा ने मुझे संग्राम का सारा हाल लिख करके समझा दिया है। माँ अब मेरे स्वामी संसार में नहीं रहे,
आपकी गोद पर मेरी मांग दोनों ही उजड़ गई, माँ दोनों ही उजड़ गई। पुत्र खंडार और सास दल में राम के सही पुत्री, इतना विलाप न करो। ओ सास दल में राम के और मारे गए मेरे पति, सास दल मेरा मुके। मारा लक्ष्मण ने पति को, पाला पल का है वो यति, सास दल में राम के। सुहाग उछड़ गया और हमारे बुढ़ापे का सहारा चला गया, पुत्री सहारा चला गया। सुनी सुनी रोवती रावण रानी, पुत्र खंडार सुनी जो ऋषि नारद की बानी। ऋषि नारद ने जो सुनाया था वो आज सत्य हो गया, पुत्री सत्य हो गया। लेकिन क्या करें, तुम्हारे पिताश्री तो किसी का कहना मानते ही नहीं है। आज अब पुत्री परिहर सब सो का, पति संग जाहू बेग परिलो। मैं तो एक ही बात कहूंगी पुत्री, सब शोकों का त्याग करके अपने पति का शीश लेकर के उनके धाम के लिए चले जाओ। है पूरे ससुरी विभीषण तोरा, है पुण्य ससुरी विभीषण तोरा, पाले तने समय मोरा, बाले तने बालक समो मो। और पुत्री रामदल में जाने से तुम्हें कोई भी संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पर तुम्हारे ससुर विभीषण रहते हैं और जो बालिका पुत्र अंगद है वो मेरे पुत्र के समान है। पुत्र एक नारी व्रत रघुबर केरा, लखन सुजसे तुम सुनो घने। और पुत्री प्रभु श्री राम एक नार व्रत रखने वाले हैं, लक्ष्मण का श्रेयस तुमने सुन ही लिया है, देख ही लिया है पुत्री। बाल ब्रह्मचारी हनुमलता राम अनादि अनादि
अनंता। और जो हनुमान है वो बाल ब्रह्मचारी है, इसलिए तुम जाओ, प्रभु श्री राम तो अनाद है, अनंत है, उनकी महिमा को कोई नहीं जानता। तुम जाकर के अपने पति का शीश प्रभु श्री राम से लेकर और पुत्री सती हो जाओ, अपने पति लोक के लिए जाओ, पुत्री पति लोक के लिए। ठीक है माता जी, आज आपके वचनों को सुनकर के मेरा जीवन धन्य हो गया। माँ मुझे भय था कहीं आप मुझे जाने से रोक ना ले, लेकिन आपने मेरे मन की ही बात कही। मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मैं जा रही हूँ मैया। जाओ पुत्री, बारी बारी क्षमा करना। चरणन श्री नाई गए जहाँ लक्ष्मण रघुराई। लक्ष्मण रघुराई चलती हूँ प्रभु श्री राम जी की शरण में। मैंने सुना है भक्त वत्सल भगवान है, उस सबको अपनी शरण देते हैं, तो क्या मुझ अभागन को वो अपनी शरण में नहीं बुलाएंगे? चलती हूँ प्रभु श्री राम जी के दरबार में। बानर सकल उठे अस बोली, हरिपुर ते आवत एक डोली। भीषण लंका की तरफ से एक डोली आती है। जान परत रावण अब बूझा, कुंभकर्ण घननाद ही जूझा। ऐसा लगता है कि मेघनाद और कुंभकर्ण के मर जाने पर रावण हर प्रकार से टूट चुका है और माता सीता को वापस भेज रहा है। युग युग कीरत चले हमारी, कहां राक्षस कहां लघु बनचारी। और यदि ऐसा है तो युगों युगों तक हमारी कीर्ति चलेगी, क्योंकि कहां तो वे बड़े बड़े आकार वाले निशाचर और कहां हम छोटे छोटे बानर भाई। विजय राम लक्ष्मण कर आवा, विजय राम लक्ष्मण कर आवा, सुजस सकल बानर कुल पावा। और भाइयों विजय तो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को मिलेगी, लेकिन उसका श्रेयस हम समस्त बंदर भालुओं को प्राप्त। सत्य कहते होता जाहु विभीषण देख हो जाई, आवा कौन प्रभु ही शरणाई। इसीलिए विभीषण राज जी आप जाइए और देखिए कि प्रभु की शरण में कौन आना चाहता है। ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ लंका की ओर से कौन आ रहा है। काका श्री मैं आपको प्रणाम करती हूँ। बेटी मैं तुम्हारे लिए क्या आशीर्वाद दूँ, तुम्हारे इस विधवा भेष को देखकर दुख तो मुझे भी बड़ा भारी हो रहा है। और मैंने अपने बड़े भाई रावण को अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन उनकी बुद्धि तो विपरीत हो रही है, वो काल के वशीभूत हो रहे हैं, किसी का कहना नहीं मानते। पुत्री यहाँ किस लिए तुम आई हो? हे काकाश्री, मैं प्रभु श्री राम जी की शरण में आई हूँ, प्रभु से कुछ याचना करने के लिए आई हूँ। आप प्रभु श्री राम जी से आज्ञा लेकर के आए, क्या वो मुझे अपनी शरण में आने की अनुमति देंगे? ठीक है बेटी, मैं प्रभु से आज्ञा लेता हूँ। पुत्र बधु दक्ष कलधर केरी, बड़े प्रतिव्रता जाने प्रभु ही। प्रभु रावण की पुत्र मधु सुलोचना,
आपके दर्शन करना चाहती है प्रभु, क्या आज्ञा है उसके लिए? उन्हें सम्मान पूर्वक यहाँ तक लेकर आया जाए। आओ पुत्री। प्रणाम भगवान। प्रसन्न रहो। हे प्रभु, ये भुजा मेरे स्वामी की है और इसी भुजा ने मुझे संग्राम का सारा हाल लिख करके समझाया। मैं आज आपसे कुछ याचना करने के लिए आई हूं प्रभु। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आपने मुझे सब कुछ दिया। लोग सोना पहनने को तरसते हैं, मुझे आपने रहने के लिए सोने सा घर दिया। हे भगवान, आज तक कभी आपसे कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, लेकिन आज शरण तेरी दुखियाई शरण तेरी दुखियाई शरण तेरी। और ये 51 रुपए की राशि है सलोचना जी के सुंदर अभिनय पर। श्री भैया प्रदीप अनुरागी जी एडीओ साहब हैं सिकंदरपुर राठ, आपकी ओर से 51 रुपए की राशि है। जय जय श्री राम। हे प्रभु, बिना पिया संसार है सुना, प्रभु जी जीवन व्यर्थ हो जाता है नाथ। हो बिना पिया संसार है सुना, प्रभु जी मोहे दुख है दूना। लक्ष्मण बन गए दुखदाई, शरण तेरी दुखी आई।
शरण तेरी। और ये 101 रुपए की राशि है महासती सुलोचना जी के सुंदर अभिनय पर हमारे श्री नीलू महाराज जी जो समिति के सदस्य हैं, नीलू महाराज जी की ओर से 101 रुपए की राशि इस समय सुलोचना सती की सुंदर लीला पर। जय श्री राम। देहू जी आए तोर पतिया जू लंका करहु कलपी सत राजू कलप सती लंका राष्ट्र की मर्यादा दशानन के राज महलों की शोभा सिलोचना आज तुम्हें इस प्रकार से रोदन करते हुए देखकर हमें भी अपार कष्ट हो रहा है। बस अंतर इतना है तुम्हारे अश्रु दिखाई दे रहे हैं और हमारे दिखाई नहीं दे रहे। हे देवी तुम पर दुख है देख मैं भी अति दुखित हो रहा। हे देवी तुम पर दुख है देख मैं भी अति दुखित हो रहा हूँ। तुम तो रोती प्रत्यक्ष मगर मैं मन ही मन में रो रहा। तुम आज मेरी शरण में आई हो जो कुछ भी मांगोगी तुम्हें आज प्राप्त होगा। कहो क्या चाहती हो। इतना ही नहीं अगर कहो तो मैं तुम्हारे पति को पुनः जीवन दान भी दे सकता हूँ। तुम्हारे पति को जीवित कर दूं। तुम अपने पति के साथ जाओ और लंका में कल्प कल्पांतर तक राज करो। सुनकर कृपा सिंध की बानी मन में बानर अति अकुलानी। ये प्रभु क्या कह रहे हैं कि मैं तेरे पति को जिंदा कर दूंगा। मेघनाथ अपने पिता का आज्ञाकारी पुत्र है बने संग्राम में लड़ने के लिए आएगा और अब लड़ने के लिए आया तो वो विजय करके जाएगा मारा नहीं जाएगा। लेकिन प्रभु की लीला है अपरंपार है जानने में नहीं आती है वो क्या चाहते हैं। तुम्हें उदार सभी देवे लायक करुणा में देखो रघुनाथ। हे प्रभु आप तो उदार हैं और सब देने लायक हैं। हे करुणा में भगवान मेरे लिए तो यही बहुत है कि मुझे आज आपके श्री चरणों के दर्शन हुए हैं। रण तीरथी या चक भली चीना प्राण सुधन लक्ष्मण कहे दीना। रण रूपी तीरथ में लक्ष्मण जी जैसी यति को पहचानते हुए मेरे स्वामी ने प्राण रूपी वस्तु दान में दे दी और मैं उनकी धर्म पत्नी होने के नाते दान में दी हुई वस्तु को वापस ले लूं। हमारे श्री आदरणीय वेद भैया तोमर साहब भगवा आपकी ओर से सुलोचना जी के अभिनय पर ये 51 रुपए की राशि है। हे प्रभु मैं तो आपसे बस यही चाहती हूँ आप मुझे मेरे स्वामी का मस्तक प्रदान करें जिससे मैं अपने स्वामी के साथ सती हो जाऊं। लीने और राम कपीस बुलाई मेघनाथ सिर दीन मगाई। सखा सुग्रीव मेघनाथ के शीश को यहाँ लाया जाए। ये 100 रुपए की राशि और भी गुप्त दान है हमारे कमेटी के ही सदस्यों के द्वारा। लेकिन जैसे शीश भगवान के समीप आया देख संदेह कहत सुग्रीवा भुजक में लिखा नहीं जब ग्रीवा। हे प्रभु अभी अभी सुलोचना ने कहा था कि कटी हुई बजाने संग्राम का सारा हाल मुझे लिख करके समझा दिया। ऐसे कैसे हो सकता है प्रभु। हाँ प्रभु जो भुजा अपने शरीर से अलग है वह भला संग्राम भूमि का हाल किस प्रकार से लिख सकती है। और हाँ हम बानर भालुओं को विश्वास हो जाएगा यदि ये कटा हुआ मस्तक इस रामा दल में हंस जाएगा तो हमें विश्वास हो जाएगा कि कटी हुई भुजा ने संग्राम भूमि का सारा हाल लिखकर अवश्य बताया। सिरसो कहती सुलोचना हसहु बेग ममनाथ
ना तर सत्य न मानी है लिखा जो तुमरे हाँ। अंचल पोछत मुख की धूरी कहा प्रिय नाथ सजीवन मोरी। ए मेरे प्राणों की सजीवन मोर, इन बानरों ने आपकी क्या दशा बना दी है नाथ। हे स्वामी, रामादल को आपके लिखे हुए पर शंका है, इन्हें विश्वास नहीं है कि आपकी भुजा ने मेरे महलों में लिखा था, मुझे संग्राम का हाल लिख करके बताया था। ये चाहते हैं हंसी हो और मैं भी चाहती हूं कि हंसी हो, या तो आपकी हंसी हो, अगर आपकी हंसी होगी तो मेरी हंसी नहीं होगी, अगर आपकी हंसी नहीं हुई तो इस संसार में मेरी हंसी हो जाएगी नाथ। ये पूरा संसार कहेगा सुलोचना मिथ्या भाषण करने वाली थी, अर्थात झूठ बोलती थी। हे स्वामी, आज आज मेरी लाज आपके ही हाथ है, आप जल्दी से हंस जाइए। और आज मोहे रामादल में मेरे स्वामी या कपि मंडल में हसी के दिखियो भरता। अगर मुझे ऐसा पता होता कि संग्राम में जाकर के आप वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे तो मैं आपको कभी अकेला नहीं आने देती, अपने पिता श्री शेषनाग को बुला करके आपके साथ भेजती। जो मैं ऐसा सुन पाती श्री शेष को बुलाती, तुम्हारी स्वामी जीत कराती। तुम्हारी स्वामी जीत कराती रिपोदल की हो जाती प्रभु। अब ये शीश हंसा, अब और शंका बढ़ गई कि ये शीश हंसा तो क्यों हंसा,
कहिए प्रभु, तुम्हारे द्वारा शंका व्यक्त की गई कि आखिर आशीष हंसा तो क्यों हंसा। उसका कारण है, अभी आप सभी लोगों ने सुना, देवी के द्वारा कहा गया, अगर मुझे ऐसा पहले पता होता, जो मैं ऐसा जानती तो पिता को अपने बुलवाती किस लिए, फिर होता सब भांति समर। बल्कि इन्हें यह ज्ञात नहीं कि जिन्हें यह बुलवाना चाहती है अपने पिता शेषनांग को, उन्हीं शेषावतार लक्ष्मण के द्वारा इनके पति का वध किया गया है। बस इन्हीं व्यंग भरी बातों को सुनकर मेघनाथ का शीश हंसा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। लक्ष्मण मुस्कुरा रहे हो, सोच रहे हो कि मैंने मेघनाथ को समाप्त कर दिया तो विजयश्री मुझे मिलेगी। नहीं, यह युद्ध मेरे स्वामी का व आपका नहीं था, यह युद्ध तो दो सतियों का युद्ध था। लक्ष्मण तुम इस बात का मत करना अभिमान, मारा है घननाद तो मैं हूँ अति बलवान। लक्ष्मण मेघनाथ का युद्ध तो एक ऊपरी पर्दा था, वास्तव में दो सतियों का सत संग्राम भूमि में लड़ता था। जो अवधपुरी में बैठी है आपकी पत्नी उर्मिला, जो अवधपुरी में बैठी है उस तपसिन से रण था मेरा, निज पद को जीवित रखूंगी बस यही कठिन प्रण था मेरा। पर मेरे पति तो उसके साथ में थे, जो पर नारी हर लाया है बस इसी एक दुर्बलता ने मुझको नीचा दिखलाया है। इस ओर अकेली रह गई मैं, उस ओर साथ में सीता है, इसलिए ये रण सुलोचना सती से उर्मिला सती ने जीता है। इस संग्राम में बहन उर्मिला को विजयश्री मिली, मैं उर्मिला के आगे हार गई। प्रभु, हे स्वामी, हे राघवेंद्र सरकार, आपसे बस यही विनय है, आज के दिन संग्राम बंद कर मुझे मेरे स्वामी के मस्तक के साथ सती कराया जाए। ठीक है देवी, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। सखा सुग्रीव, युद्ध के पताके झुका दिए जाएं, आज के दिन युद्ध बंद रहेगा। भगवान श्री राम ने एक शत्रु के पक्ष के किस तरह से सहायता की, श्री सुलोचना जी के इच्छानुसार भगवान ने कहा आज संग्राम बंद किया जाए और समुद्र तट पर सुंदर चिता तैयार की जाए, जहां श्री सुलोचना जी को सती कराया जाए। बानर भालू सब चिता बनाने की तैयारी में संलग्न हुए। दो दिल टूटे दो दिल हारे, दो दिल टूटे दो दिल हारे, we'll be right back.
सरसों अब ना पड़ेंगे झूले बाग में, अब ना उगेंगे चांद सितारे। दो दिल टूटे दो दिल हारे, दो दिल टूटे दो दिल हारे। दुनिया वालों सदके तुम्हारे, दो दिल टूटे दो दिल हारे। अरे 51 रुपए की राशि महाकाल टैटू आर्टिस्ट इटावा से आए हुए हैं भैया संदीप नायक जी, उनकी तरफ से 51 रुपए की राशि सुलोचना जी के अभिनय पर प्राप्त हुई है। जय तुम्हारे कहने के अनुसार पूरा रामा दल इस समय यहीं उपस्थित है। अब हम चाहते हैं आप अपने पति व्रत के प्रभाव से अग्निदेव को प्रकट करें। ये 51 रुपए और भी महाकाल टैटू आर्टिस्ट जो भैया इटावा से आए इस मेले में, 51 रुपए की राशि पुनः संदीप भैया नायक जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हे अग्निदेव, यदि मैंने मन क्रम वचन से अपने स्वामी को ही अपना आराध्य समझा है तो आप प्रकट हो जाइए। जाने से पहले संसार की नारियों से एक बात कहना चाहती हूं। संसार में जितनी भी नारियां हैं सभी से मेरा यही कहना है कि पत्नी को सदैव पति का सम्मान करना चाहिए, सदैव पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि कहा गया पति ही व्रत, पति ही सुगत, पति ही प्राण आधार, पत सेवा में नारी का सदा मोक्ष का द्वार। पत की सेवा, पत की पूजा, यही है काम पत्नी का, पति के पांव के नीचे है मुक्ति धाम। पत्नी का पति की नजर के सामने, पत्नी जो मर गई समझो वह संसार सागर से तर गई। इसलिए सभी बहनों से यही कहना है कि सदैव ओम पति देवाय नमः, ओम पति देवाय नमः, ओम पति देवाय नमः की रट लगाएं। वो तेरी याद में जल के देख लिया, अब आग में जल के देखे। तेरी याद में जल के देख लिया, अब आग में जल के देखेंगे। सूरज की चमक में आग भी है, दुनिया ने कहा परवानों से। ओ सूरज की चमक में आग भी है, दुनिया ने कहा परवानों से। पागल परवाने कहने लगे, पागल परवाने कहने लगे, हम आग में जल के देखे। तेरी आग में जल के देख लिया, अब आग में जल के देखे। तेरी आग में जल के देख लिया, अब आग में जल के देखे। तेरी आग में जल के देख लिया। यह रावण वध की लीला होगी, आप लोग बैठे रहें। केवल ये सुलोचना सती जी की जो अभी आपने झांकी देखी है, मात्र ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा, केवल 2 से 5 मिनट का समय, एक भेंट का ये समय है। ये जो नियम है जो पूर्ण करना है, आपने सुलोचना सती जी को सती होते हुए देखा है, तो जो भी भक्त
ऐसे में ठाकुर जी की भीड़ नौछावरी करना चाहते हैं तो आरती का थाला के रखा हुआ है, आप लोग यहाँ तक पधारेंगे, उसके बाद में यह रावण वध की लीला होगी। आध पौन घंटे का समय आप लोग और देंगे। अति विषाद पुन पुन सिर धुनो, और ये महाकाल जो कि टैटू आर्टिस्ट हैं इटावा से पधारे हैं, आपकी ओर से ये 51 रुपए की राशि है जिनकी मेले में बड़ी सुंदर दुकान लगी हुई है। महाकाल टैटू आर्टिस्ट हैं इटावा वाले संदीप नायक जिनका नाम है। हाँ भैया एक बार जरूर उनके पास में आप लोग टैटू बनवाएं, क्योंकि दोबारा उन्हें अब राठौर नहीं आना है।